हरिओम हरिओम बहन जी, बोलिए। मैं स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। जरूर जरूर कीजिए। उसका छोटा मगज जो है वो काम नहीं दे रहा है। अच्छा, 13 साल का मेरा बेटा है, तो उसका मगज बिल्कुल 3 साल के बच्चे जितना काम कर रहा है। छोटा मगज उसका बहुत कम काम कर रहा है, तो उसके बारे में कोई दवाई हो तो। थोड़ा प्राणायाम भी करता है? नहीं, हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं करता है, ओनली स्पोर्ट खेलना और स्कूल भी जाता है। चलिए, अब उसको थोड़ा खेल खेल में ही उसको थोड़ा भस्त्रिका, डीप ब्रीथिंग करके जितना ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा उतने ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे। भस्त्रिका, थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये ज़्यादा करवाएं। आप खुद बैठ के करवाएंगे तो कर लेगा बच्चा। भ्रामरी या अनुलोम विलोम उसको 10 मिनट तक करवाना। ये 5 बार ओम, बच्चे खेल खेल में कर लेंगे। उसको सर्वांग आसन जरूर करवाइए। सर्वांग आसन आदि करने में बच्चे रुचि लेते हैं, तो सर्वांग आसन भी उसको जरूर करवाना। और मेधावटी, ये ब्रेन के लिए अल्टीमेट चीज है। ये मैं मेमोरी, मेधावटी एक गोली है, एक एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार देना बच्चे को। ये ब्रेन के लिए इससे बड़ी बढ़िया कोई चीज नहीं। लोग ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उस्तखद्दूस और बचा, ज्योतिषमती, माल कांगनी, बहुत सी चीजें कहते हैं, लेकिन ये अल्टीमेट चीज है मेधावटी। सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए। फिर पानी के साथ मेधावटी देनी है। हाँ, मेधावटी एक एक गोली सुबह दोपहर शाम पानी के साथ दे दीजिए। शाम को जब उसको दूध पिलाते हैं तो 1 चम्मच बादाम रोगन दूध में मिला करके, और इसमें साथ में आप उसको च्यवनप्राश दे सकते हैं, या जो है थोड़ा हनी डाल सकते हैं इसके अंदर, पावर बीटा मिला सकते हैं। कुछ बच्चे जब दूध में ये बादाम रोगन मिलाते हैं तो टेस्ट अच्छा होता है इसका, लेकिन टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें हनी, पावर बीटा ये मिला सकते हैं, या साथ में थोड़ा च्यवनप्राश दे दिया तो बच्चे को टेस्ट अच्छा लगता है। फिर थोड़ा 2-3 मिनट उसको दूध में घोल दे अच्छे से। ये बादाम रोगन जबरदस्त चीज है। उसको आप 2 अखरोट रात को भिगो करके सुबह ऐसे ही बच्चे को खिला दें। इतना सब करेंगे तो उसको जबरदस्त लाभ होगा, उसकी मेमोरी पावर भी अच्छी हो जाएगी, ब्रेन मगज उसका काम करना शुरू कर देगा, राइट लेफ्ट ब्रेन पूरा नर्वस सिस्टम 100% इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी। थोड़ा समय तो लगेगा, ये तत्काल ऐसे एक ही दिन में बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे ये मेमोरी की, या हम कहें कि स्मरण शक्ति की, बुद्धि रूपी यंत्र की जो कमजोरी है, इसमें थोड़ा सा ऐसी चीज़ों में थोड़ा समय लग जाता है, तो थोड़ा धीरज रखें। ऐसा लिए मेसोटोमिन डिजीज या कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं तो थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हैं तो आपको 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। कुछ बीमारियों में तो बीपी, शुगर, थायराइड पहले दिन से रिजल्ट आ जाता है, मोटापा, गैस, एसिडिटी, लेकिन कुछ बीमारियों में थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, उसमें धीरज भी रखें।